الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا سندنا ومولانا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین
मेरे और आपके हादी रहनुमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की दाते अतर पर हूँ। दोस्तों और भाइयों, गुज़श्ता तीन खुतबात से हम बहसियत वालिद अपनी औलाद के लिए, उनको कामयाब करने के लिए, उनकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहले तरबियत औलाद के हवाले से हजरत लुकमान हकीम उनकी कीमती बातें जो उन्होंने अपने बेटे को की थी वो हमने गोश गुजार की, और फिर उसके बाद वाज़ो नसीहत के बाद जो वालदेन की जिम्मेदारी बनती है वो जनाब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम की पकीदा सीरत के एक पहलू से हमने उसको बयान किया कि उसके बाद वालदेन की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी औलाद की कामयाबी और कामरानी के लिए अल्लाह के हजूर दुआ गो हो जाए। दोस्तों और भाइयों, आज का ये खुतबा उन्हीं खुतबात के साथ मुनासबत रखता है, और इस खुतबे को तवज्जो से सुनिएगा कि जब इंसान एक वालिद अपनी औलाद की तरबियत करता है और उसके साथ उसके लिए अल्लाह के हजूर दुआएं करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसी औलाद अता फरमाता है। आज उस औलाद का किरदार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब इंसान अल्लाह के हुजूर उस औलाद के आने से पहले भी ये दुआ करे कि जैसे सैयदना इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम ने की थी, रब हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गया हूँ, बहसियत इंसान दिल में एक ख्वाहिश है कि तू मुझे औलाद नरीना से नवाज दे, औलाद भी ऐसी अता फरमा के अस्सालिहीन वो नेक बंदों में से हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की दुआएं सुनने वाला, उसने दुआ को कबूल फरमाया और सिर्फ नेक साले मुत्तकी परहेजगार बेटा ही अता नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला दुआया कलिमात के जवाब में फौरन जो बशारत सुनाता है फरमाया फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हम तुम्हें एक ऐसा बेटा अता कर रहे हैं कि जो हलीम होगा बुर्दबार होगा, हलीमियत की सिफत उसके अंदर वदीयत अता कर दी है। अल्लाह अकबर। दोस्तों भाइयों, यहाँ पर मुझे सैयदना इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम की एक और दुआ याद आ गई, वो भी औलाद के लिए मांगी, और मुझे गुज़श्ता खुतबा के बाद हमारे भाई शेख अब्दुल वहीद साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो दुआ आपको जरूर सुनानी चाहिए थी,
तो यकीन जाने मैं उस दुआ को लेकर आया था, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। आज मैं चाहता हूँ वो भी सुना दूं ताकि वो बात मुकम्मल हो जाए। वो दुआ क्या की थी, उसका नतीजा, अगरचे ये पहली दुआ का नतीजा भी हम तक पहुंचा, लेकिन उस दुआ का नतीजा यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो इतना बड़ा हम पर एहसान किया है उस दुआ के नतीजे में कि हमें अल्लाह अगर और कोई भी नेमत ना अता करता तो वो ही नेमत हमारे लिए इतनी बड़ी अजीम नेमत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद उसके बारे में ये कहा था, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने अपने मोमिन बंदों पर बहुत एहसान किए, लेकिन किसी एहसान को नहीं जतलाया, सिर्फ और सिर्फ वो नेमत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए मांगी थी, वो नेमत अदा की तो अल्लाह ताला खुद ये इशारा फरमाता है कि मैंने अपने मोमिन बंदों पर एहसान फरमाया है। और वो दुआ क्या थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ تُو إِنْ مِنْ سَيْءَكَ رَسُولَ أَيْسَا بِهِجْنَا जो तेरी आयात की तलावत इनके सामने करे, इनको तेरी किताब सिखलाए और हिकमत दनाई की बातें इनको बतलाए और तज़किया नफ्स करे। दोस्तों और भाइयों, ये दोनों दुआएं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए की। अल्लाहु अकबर। मैं इन दोनों दुआओं पर गौर कर रहा था, एक दुआ के नतीजे में सहबे अभी जमजम आया और दूसरे दुआ के नतीजे में हौज़े कौसर का साहिब आया। अल्लाहु अकबर। न जमजम वो खराब होने वाला, न हौज़े कौसर उसका पानी खराब होने वाला, न इसका रंग चेंज हो, न उसका रंग तब्दील हो, न इसका जायका तब्दील हो, न उसका जायका तब्दील हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जमजम के बारे में फरमाया, मा उज़मज़मा शुरी लिमा शुरी वाला, ये जमजम का पानी ऐसा है इस कायनात में, इस रूए जमीन में उसका मुकाबला कोई पानी नहीं कर सकता। मेरे आका ने दूसरी हदीस में बयान किया था कि इस रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन बाबरकत पानी वो जमजम का है। अल्लाहु अकबर। फरमाया क्यों, ये भूखों की भूख को मिटा देता है, प्यासों की प्यास वो खत्म कर देता है, बल्कि उससे आगे बढ़कर फरमाया अगर कोई बीमार है, मरीज है, ये जमजम उसको पिलाओ तो अल्लाह ताला उसको सेहत याब कर देता है। अल्लाहु अकबर। इसलिए बल्कि मेरे आका ने ऐसे अल्फाज बयान कर दिए कि इंतहा फरमा दी। फरमाया मा उज़मज़मा लिमा शुरी बना, इंसान जिस नीयत से इस पानी को पिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नीयत और इरादे को पूरा फरमा देगा। और दूसरा पानी वो हौज़े कौसर का, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, मन शरीबा मिन, जिसने हौज़े कौसर से मेरे हाथों से उसने कौसर का पानी पी लिया,
मैं ज़बान नबूवत से इस रूए ज़मीन पर ये कह रहा हूँ, लम यज़मऊ बादहु अबदा, उसके बाद उस बंदे को कभी भी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाहु अकबर। दोस्तों और भाइयों, इस अंदाज से अगर अल्लाह से आप अपनी औलाद के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औलादें अता फरमाता है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, अल्लाह मुझे साले और नेक और मुत्तकी परहेजगार बेटा अता फरमा दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हम तुझे ऐसे खूबियों वाला बेटा अता कर रहे हैं जिसमें हम अपनी तरफ से एक और खूबी का इजाफा फरमा रहे हैं, और वो है हलीमियत की खूबी। अल्लाहु अकबर। ये हलीमियत की सिफत और खूबी ऐसी अता फरमाई, क्योंकि मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, आलिम मा कान व मा यकून, मुस्तकबिल की खबरें जाने वाला वो अल्लाह जानता था। मैंने इस्माइल से ऐसा कारनामा दुनिया के सामने पेश करवाना है जो हलीम और हलीमियत की सिफत के साथ ही पूरा हो सकता है, उसके अलावा कोई उसको पूरा नहीं कर सकता। और वो कारनामा क्या था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब देख रहे हैं, 3 रातों से ये मुसलसल ख्वाब आ रहा है। ख्वाब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में उस ख्वाब को बयान करते हैं। मैं फलम्मा बलग माहु सय कौल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, कौल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام کو रातों से मुसलसल ये ख्वाब आ रहा है, क्या देख रहे हैं? अपने ही लखते जिगर को, अपने उस बेटे को जिसको बुढ़ापे में दुआएं कर करके मांगा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी पैदाइश के बाद बहुत बड़ा इम्तिहान लिया था, कहा इस शीरखार बच्चे को अपनी रफीका हयात को वादी गैरी जी जर में छोड़ा होना, वहां छोड़कर आया। अब जब वो जवान हो गया, मुफस्सरीन लिखते हैं कम अज कम उम्र 8 साल, ज्यादा से ज्यादा उम्र 13 साल, मुख्तलिफ अकवाल है, पर मैं इतनी उम्र के ये बच्चे जब हो गए, जब काम करने के काबिल हो गए, जब बाप का सहारा बनने के काबिल हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये ख्वाब आने लगा। और नबी है बल्कि अबुल अंबिया है, नबियों का ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से वही होता है। आ गए ना अपने बेटे के पास, अपने इस लखते जिगर राज दुलारे के पास आ गए, आकर क्या कहते हैं? या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। अल्लाहु अकबर, कुर्बान हो जाए। दोस्तों और भाइयों, मैंने पहले भी ये बात की, फिर याद दहाने के लिए कह रहा हूं, देखिए अंबिया का तरीका, अंबिया का अंदाज, आपकी सीरत का ये पहलू, ये अल्लाह के नेक बंदों का अंदाज होता है, ये अल्लाह के वलियों और मुत्तकी परहेजगार बल्कि नबियों का अंदाज है। अपनी औलाद को मुखातिब करना है तो कैसे? या बुनई, ऐ मेरे प्यारे बेटे। अल्लाह अकबर। ये नहीं है कि ये तो इस्माइल है जिसका किरदार ही बड़ा बेमिसाल, मैं तो यहाँ कुरान पढ़ रहा था, अगर नाफरमान औलाद भी हो आज आग कर देते हो,
थोड़ी सी नाफरमानी क्या की, अगरचे उसका मामला अल्लाह के साथ है। मैं इतना तैश में आ गया बहसियत बाप, मैं अब उसको बेटा ही नहीं समझता, मैं उसको प्यार मोहब्बत तो दूर की बात, मैं तो उस पर नफरत की नजर भी नहीं डालना चाहता। अजीब मामला है दोस्तों और भाइयों, मुसलमान हो मोमिन हो, अंबिया के तर्ज जिंदगी को अपनाने वाले सुनने वाले हो, उनसे प्यार और मोहब्बत करने वाले हो। मैं हजरत नूह अलैहि सलाम का वाकया पढ़ रहा था, उलुल अज़म पैगंबर अपने नाफरमान बेटे को जो काफिरों की सब में खड़ा है, तूफान आ गया आप कश्ती में सवार हो गए, हजरत नूह अलैहि सलाम मुशफिक बाप है, अपने बेटे को पुकार कर कहते हैं, उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह की इस पुकार को कुरान में बयान किया, क्या फरमाया, वनादा नूह इब्नहु वकान फी माज़िल قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين। हजरत नूह अलैहि सलाम अपने नाफरमान बेटे को कहते हैं, या बुनै ऐ मेरे प्यारे बेटे, ये मुशरिक बेटा है लेकिन प्यारा अंदाज कैसा अपनाया अपने प्यारे बेटे को साथ, शायद ये प्यार और मोहब्बत की जबान समझ जाए, शायद ये आखिरी लम्हात में भी बाप के इस मुश्फिकाना अंदाज को समझ जाए ना, इसलिए कहते मेरे प्यारे बेटे आओ ना मेरे साथ इस कश्ती में सवार हो जाओ, काफरों का साथ ना दो। एक और मुकाम मेरे सामने आया, जनाबे यूसुफ सिद्दीक अपने बाबा को अपना ख्वाब सुनाया, बाबा ने आगे से अपने प्यारे लख्ते जिगर को क्या कहा, याद नहीं अला तक ससुर अला इख्वातिक फयकीदूनक कैदा इन्न शैतान लिल इंसान अदू मुबी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे को कहा, तेरा ख्वाब बड़ा अजीम है, मैं इसकी तबीर समझ गया, इसलिए मेरे बेटे अपने ख्वाब को अपने भाइयों के सामने ना बयान करना। दोस्त और भाइयों, ये अंबिया का अंदाज अपने बेटों को अपनी औलाद को मुखातिब करते तो कैसे प्यारे अंदाज के साथ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे को मुखातिब करें, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, ऐ मेरे राज दुलारे, मेरे आंखों के तारे, मेरे दिल के सुरूर, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, ऐ मेरे प्यारे बेटे मैं बड़ा अजीब ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब बड़ा अजीब है तेरे सामने पेश करता हूँ, ख्वाब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं तुझे अपने से जुदा कर रहा हूँ, और जुदाई का मामला कैसा है, जैसे तुम्हें मैं पहले इस वादिया गैरी जी जर में छोड़ कर गया, आज मैं तुझे क्या मैदान जिहाद में भेजने लगा हूँ, मैदान किताल में भेजने लगा हूँ, मैं तुझे किसी दीनी मदरसे में छोड़कर आने लगा हूँ, नहीं नहीं मैं ख्वाब ये देख रहा हूँ कि अपने इन हाथों से तुझे मैं ज़िबह कर रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। दोस्तों और भाइयों, ये मामूली इम्तिहान नहीं था, ये मामूली काम नहीं था जो अपने बेटे के सामने उन्होंने बयान किया। आज दोस्तों और भाइयों,
ये हमारा अंदाज क्या है। अगले अल्फाज सुनिए, ये ख्वाब पेश किया ना तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद क्या कहा, कहा फंजुर मादा तरा, अल्लाह अल्लाह। इससे पता क्या निकलता है कि हर बाप को अपने औलाद से मशवरा करना चाहिए। दोस्तों और भाइयों, ये नहीं कहा आकर मैं तेरा बाप हूं, मुझे ये ख्वाब आया और ये हुक्म इलाही है, तू भी जानता है मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह के नबियों को जो ख्वाब आते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, इसलिए मैं तुझे ज़िबा करने लगा हूँ। ये नहीं कहा, कहा ख्वाब मैंने देख लिया, हुक्म इलाही ये है, फंजुर मादा तरा। सबसे पहली बात ये निकलती है कि अपनी औलाद से मशवरा करना चाहिए। कोई भी काम हो, दुनियावी मामला हो, उखरवी मामला, दीनी मामला, दुनियावी मामले में बिलअमूम और दुनिया दीनी मामले में उखरवी मामले में बिलखुसूस उनसे मशवरा करना चाहिए, इसलिए कि दीनी मामला जो है उसमें नतीजा जो है सिर्फ दुनिया की कामयाबी तक मुनहसर नहीं है बल्कि उखरवी कामयाबी भी उसका भी इंसार है। इसलिए दुनियावी अगर आपने मशवरा किया तो दुनियावी तौर पर आपके लिए वो मुफीद होगा, लेकिन दीनी मशवरा उनको भी नेकी में शामिल कीजिए। मेरी औलाद, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, मैं ये काम करने लगा हूँ, आओ तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, अजर सवाब में भी शरीक होगे, उनको भी आपकी तरबियत भी होगी कि उनको भी पता चलेगा कि नेकी के काम किस तरह किए जाते हैं। दोस्तों और भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मशवरे के तौर पर और दूसरा मकसद ये था कि मैं ये इरादा कर चुका हूँ अल्लाह के हुक्म पर, मैं सर तस्लीम खम कर चुका, मैं तो ये काम सर अंजाम दूंगा, लेकिन इस काम में मैं अपने बेटे के इकरार को भी शामिल कर लूं ताकि वो भी इस अजीम काम में मेरा शरीक हो जाए, अजर सवाब उसको भी मिले जहां अल्लाह मुझे खलीलुल्लाह के लकब से नवाजेगा तो उसको भी अल्लाह ज़बीहुल्लाह बना दे। दोस्तों और भाइयों, इसलिए आपने उनसे मशवरा किया और ये मोमिनों का वतीरा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी करीम को कहा कि मैं वशाविर हूं फिल अमर, ऐ मेरे आक, मेरे नबी, मेरे हबीब, तू उलूल अज़म पैगंबरों में से, तू साहबे कुरान है, तू मेरा हबीब है, तू सरदार बुलदे आदम है, लेकिन कोई भी काम करना है अपने अहले बैत के साथ, अपने सहाबा के साथ तूने मशवरा करना है। ये नबी को पाबंद किया गया और मोमिनों का मामला क्या है, फरमाया वा अमरहुम शूरा बैनहुम, फरमाया ये मोमिन जो है ये अपने घर के काम भी, अपने बाहर के काम भी, अपने जमाती काम भी, अपने तंजीमी काम भी, अपने मोहल्ले के काम भी, अपने गांव शहर के काम भी मशवरों से सरंजाम देते हैं। ये मोमिनों का माहौल और ईमान वालों का मुआशरा ऐसा होता है कि जो भी काम करते हैं वो अपने मशवरे के साथ करते हैं, बाहमी मशवरा किया करते हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के सामने ये रखकर उसकी राय मालूम कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे फंजुर माजा तरा, अब तू इसके में क्या कहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने यहाँ पर सिफ्ते हरीम वाला बेटा, उसने अपना किरदार पेश किया, क्या कहता है, अल्लाह ने उसके जवाब को भी नकल फरमाया। अल्लाह कहते इस्माइल बड़ा मुअद्दब होकर अपने बाबा इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने ये जवाब देता है, आज की औलाद की तरह नहीं, मशवरा किया तो ये मशवरे भी बड़े अजीब देंगे, ये क्या कहेंगे, आप तो पुराने बुजुर्ग हो गए, आपकी सोच पुरानी है,
आज कंप्यूटराइज दौर आ चुका है, आपको क्या पता अब मार्केट कैसे चलती है। इस तरह नहीं, हजरत इस्माइल ने यह भी नहीं कहा, बाबा जान आप जब मैं दूध पीता बच्चा था आप मुझे यहाँ पर छोड़ गए, किसके सहारे पर? आपने तो कोई अनाज का बंदोबस्त भी ना किया, यहाँ तो पीने के पानी का भी कोई बंदोबस्त ना था, आप उस वक्त मुझे छोड़ गए। अगर अल्लाह ने अब मुझे बचा ही लिया है तो अब फिर मुझे मारने के दर पे है, अब फिर मुझे जिबा करने के दर पे है? नहीं नहीं दोस्तों, वो जिक्र भी नहीं है, बल्कि कितना प्यारा अंदाज है, अल्लाह को भी इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान बनाकर नाजिल फरमा दिया। हजरत इस्माइल क्या कहते हैं, قال يا अबत, अल्लाह अल्लाह कुर्बान हो जाए कुरान की चाशनी पर। कुरान क्या कहता है, पर मैं या अबत, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, अल्लाह अकबर, ये है अदब वाला तली वाला बेटा, और कैसे ना हो। दोस्तों भाइयों, आज अमूमन वालदैन शिकायत करते हुए नजर आते हैं, हमारी औलादे हमारा अदब एहतराम नहीं करती, ये हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, इनको कोई परवाह नहीं हमारी, ये हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं जो अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी नहीं करते हैं। इस तरह की शिकायत दोस्तों और भाइयों, ये हमारी तरबियत का भी फुकदान। दूसरा, ये अरबी माकूला है, अरबी कहावत है, अल जज़ा मिन जिंसिल अमल, और हम भी कहते हैं, हमारी कहावत भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अपने वालदैन की इज्जत एहतराम कर लो, वरना कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सलूक करेगी। आज अपने वालदैन की इज्जत एहतराम करो, ये नहीं है कि वालिद नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, मुशफिक है, शफकत फरमाने वाला है, ख्वाहिशात पूरी करने वाला है, मेरी सही तरह से सरपरस्ती करने वाला है, तभी जाकर मैंने इज्जत एहतराम करनी है। नहीं नहीं, मैं बहसियत औलाद बहसियत बेटा, मेरा फर्ज है जैसा भी मेरा बाप है मैं उसकी इज्जत एहतराम करूं जिस तरह का भी है। अब कोई भाई शायद कह दे कि मेरा बाप तो मुशरिक है तो उसके साथ क्या मामला करूंगा, मैं यही बात करने वाला हूं। हजरत इस्माइल ये क्यों अपने बाप को कह रहे हैं या अबाती, या अभी नहीं कहा, या वालिदी नहीं कहा, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे अब्बा, नहीं नहीं, या अबाती, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, ऐ मेरे प्यारे अबू जान, अल्लाह अकबर, क्यों ये सिला मिल रहा है? ये सिर्फ तरबियत, ये सिर्फ दुआएं नहीं है, बल्कि ये बदला भी है, ये जजा भी है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम ने भी अपने बाप को दावत तौहीद दी थी, और मुशरिक बाप को पता किस प्यारे अंदाज से, आज जरा सुनिएगा, और ये अंदाज मुआहदीन को अपनाना चाहिए। आज मुआहद ये कहते हुए नजर आते हैं, ये सुनाई देते हैं कि हक तो होता ही कड़वा है। दोस्तों और भाइयों, ये सही बात नहीं है, ये हो सकता है कि किसी को हक कड़वा लगता है, लेकिन हक कड़वा नहीं होता। ईमान से बतलाइए, ये कुरान हक है या नहीं है? तो इससे मीठा कलाम भी कोई है? फिर कैसी ये बात है कि जो हमारे वाजीर, हमारे खुतबा, हमारे उलमा, हमारे बड़े बड़े लोग ये कहते हैं हक तो होता ही कड़वा है, चाहे जिसको जितनी तकलीफ होती है मैं तो हक बयान करूंगा। दोस्तों और भाइयों,
हक कड़वा नहीं होता, ये सुनने वाले का कसूर है। हक तो हमेशा मीठा होता है और उसको बयान करने का अंदाज भी मीठा होना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को मुखातिब किया, दावत तौहीद दी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दावत तौहीद को कुरान में बयान करते हुए कुरान के कारियों को मुखातिब करके कहते हैं वज़कुर फिल किताब واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस जिक्र के बारे में अल्लाह कहते हैं इस कुरान में मेरे इब्राहिम सिद्दीक नबी की दो मेरे नबी की बात को पढ़कर देख लो, मेरे नबी ने क्या कहा, अपने बाबा के सामने दावते तौहीद रखी ना, कहा या अबत, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, ये मुआहद बाप नहीं है, मुशरिक बाप है, बल्कि ऐसा मुशरिक है, बुत तराश बाप है, बल्कि उस वक्त बुत पाशी करने वाले, बुत फरोशी करने वाले बाप, बल्कि ऐसा के उस वक्त के बुत की इबादत करने वालों का पंडित है, उनका रहनुमा है, उसके सामने ये कह रहे हैं या अबती, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, लिमता बुद माला यस्मौ वला युबसिर, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आप इनकी इबादत क्यों करते हैं जो सुनते भी नहीं देखते भी नहीं है। पर मैं वला युगनी अंक शैया, और ना ही ये आपकी कोई जरूरत पूरी करने वाले, आपकी किसी हाजत को भी पूरा नहीं कर सकते। या अबदी इन्नी कद जानी मिनल इल्म मालम यातिक फत्तबिनी अहदिक सिरातन सवीया, ऐ प्यारे बाबा जान, मैं आपके पास ऐसा इलम लेके आया जिन बातों का आपको इलम नहीं है, इसलिए आप बाप होने की हसीयत से मेरी इतिबा कीजिए, मैं आपको सिराते मुस्तकीम पर चलाऊंगा। या अबती ला ताबुदी शैतान इन शैतान कान लिर्रहमान असिया, ऐ बाबा जान, इन बुतों की जो आप पूजा करते हैं यह हकीकत में शैतान की इबादत है, इसलिए आपको यह कहता हूं इस शैतान की इबादत ना कीजिए, क्योंकि यह रहमान का नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफ أيما السكادب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، ऐ बाबा जान, मुझे डर आता है कभी आप शैतान की इबादत करते हुए अल्लाह के अजाब का शिकार न हो जाए और शैतान के दोस्त हवारी न बन जाए। या अबती, कितना प्यारा अंदाज, ऐ प्यारे बाबा जान, ऐ प्यारे बाबा जान, अल्लाह अकबर। अब आगे से जवाब सुनिए, अगर आज कोई वालिद बहसियत वालिद होने के सिर्फ वो अपने हुक्म वो मुसल्लत करता है, अपने फैसले तहकुमाना तौर पर नाफिज करता है कि मेरे सामने बोलते हो, मेरे बच्चे होकर मुझे कहते हो ये फैसला गलत है, मैं यही काम करूंगा चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। दोस्तों और भाइयों, ऐसा काम न कीजिए,
इससे क्या होगा, इससे आपके घर का खुशगवार माहौल वो खराब हो जाएगा, वहां पर अदावत की ना बुझ पैदा हो जाएगा, वो मोहब्बत की फला जहां पर होनी चाहिए थी वो खत्म हो जाएगी। क्यों? मोमनों का अंदाज आपने सुन लिया। हजरत इस्माइल अपने बाप को जवाब देते हैं तो कहते हैं या अबादी, है मेरे प्यारे बाबा जान। और हजरत इब्राहिम भी अपने बाप को मुखातिब करते हैं मेरे प्यारे बाबा जान। उससे पहले बाप की बात सुन ली, हजरत नूह ने अपने बेटे को कहा मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे छोटे से बेटे, ऐ मेरे राज दुलारे। हजरत याकूब ने भी ऐसे मुखातिब किया, हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को ऐसे मुखातिब किया। अब मुशरिक बाप पता क्या कहते हैं, उसका अंदाज सुनिए, अगर ये अंदाज हमारा है तो आप देख ले किसी मुसलमान का ये अंदाज नहीं है। चे जाए कि अल्लाह के नेक बंदों का हो, अल्लाह के वलियों का अंदाज हो, अल्लाह के नबियों का अंदाज तो आपने सुन लिया। आप सुनिए आगे, मुशरक बाप है ये दुनियादार बाप, इसका अंदाज क्या है अपने बेटे को मुखातिब करने का। कितने प्यारे अंदाज से हजरत इब्राहिम ने दाते तौहीद पेश की। आगे से क्या कहते हैं, قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुशरिक बाप इतनी प्यारी बात सुनने के बाद क्या जवाब देता है, कहते हैं قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم। ऐ इब्राहिम, ये भी नहीं कहा या इब्नी, ऐ मेरे बेटे, प्यार तो दूर की बात, ये भी नहीं कहा या गुलामी, ऐ मेरे गुलाम, या वलदी, ऐ मेरे लड़के, अपनी तरफ तो मंसूब ही नहीं किया। क्या कहते, अराग़िब अंत अन आलिहती या इब्राहिम। ऐ इब्राहिम, जैसे मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आम आदमी को मुखातिब किया जाता है, इस तरह मुखातिब करके कहते हैं ऐ इब्राहिम, अगर तू मेरे इन अलाहों से, मेरे इन झूठे माबूद ही सही, मेरे माबूदों से एराज नहीं करेगा, तू नजर सरफ नहीं करेगा, सरफे नजर नहीं करेगा, तो क्या कहा, लइल्लम तंतही लअर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया। कहता इब्राहिम, अगर तू मेरे इन माबूदों से राज नहीं करता तो फिर सुन, मैं तुझे घर से ही नहीं निकालूंगा बल्कि पत्थर मार मार कर संसार कर दूंगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान हो जाएं, आगे से रवैया बदल जाना चाहिए था ना, नहीं बदला। फिर आगे से क्या कहते हैं, قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا। ऐ बाबा जान, आप तो मुझे पत्थर भी मारेंगे, मुझे घर से भी निकालेंगे, लेकिन मैं अल्लाह का खलील, मैं आगे से ये कहता हूं आप पर सलामती होना, मैं आपके लिए अपने रब के हुजूर मगफरत की दुआ करता रहूंगा, जब तक मेरा रब मुझे मना नहीं करेगा मैं आपके लिए मगफरत इस्तगफार करता रहूंगा। पर मैं क्यों, मेरा रब जो है मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करने वाला। अल्लाह अकबर, ये अंदाज जब अपने मुशरिक बाप से अपनाया तो आज फिर अल्लाह ने सिला इस अंदाज से दिया कि इस्माइल के सामने इतनी बड़ी बात रख दी।
कि बेटा मैं तुझे बचपन में यहां पर छोड़ गया, अब तू इस काबिल हो गया कि अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, अब मैं आया हूं अल्लाह का ये हुक्म लेकर कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब ये तेरा तेरी राय क्या है। तो अब बेटा आगे से क्या कहते हैं, ये भी नहीं कहा या हबीब अल्लाह या वालिदी, ए मेरे अब्बा जा अब्बा, ए मेरे वालिद, नहीं नहीं इनमें वो चाशनी नहीं है। इसलिए क्या अल्फाज इस्तेमाल के, या आबाती ए मेरे प्यारे अब्बा जान, अल्लाह अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर, ये भी आगे अल्फाज कितने प्यारे चुनाव किए, कितना प्यारा इंतखाब किया, इफ अल मा तुमर, अल्लाह के ये भी कहते तजबहू, बाबा जान आप ज़िबा कर दे, आप ज़िबा की बात कर रहे हैं, ज़िबा कर दे नहीं बल्कि ये कहा जो आपको हुक्म मिला वो कर गुजरे, सिर्फ ज़िबा ही नहीं करना, पता नहीं क्या कुछ आपने करना है, जो जो अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है वो कर गुजरिए। अब मेरा मामला क्या है, मेरा मामला सुन लीजिए, अल्लाह 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 हम सबको ऐसी औलादें अता फरमाए और हमें भी ऐसा बाप बनने की तौफीक अता फरमाए। आगे से क्या कहा, मेरा मामला फरमाया सता जी दुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरी, मेरे प्यारे बाबा जान मैं अपनी सिफत और खूबी नहीं बयान करता बल्कि मैं अल्लाह वो मालिक वो राजिक वो दाता वो खालिक वो मेरा मालिक जिसने आपको हुक्म दिया है मैं उसकी मशीयत की तरफ ही अपने आप को सपुर्द करता हूँ। पर मैं इंशाअल्लाह कैसी आजी कैसी इंकसारी। दोस्तों और भाइयों यकीन जाने आज हम छोटा सा काम कर ले, छोटा सा नेकी का काम, हम कहते हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, यहाँ इतने बड़े हुक्म के सामने अपनी गर्दन कटवाने लगे हैं। ना इब्राहिम को पता ना इस्माइल को पता कि आगे नतीजा क्या निकलना है, ये तो तैयार थे वो ज़िबा करने के लिए, ये ज़िबा होने के लिए, वो कुर्बानी देने के लिए, ये कुर्बान होने के लिए तैयार थे, लेकिन इतना बड़ा काम उसके लिए तैयार कि अल्लाह खुद कहता है इन हादा लाहौल बराउल मुबीन। यहाँ कोई बच्चा कहता है स्टूडेंट कहता है आज पेपर बड़ा मुश्किल था, यहाँ कोई टीचर कहते हैं आज बच्चों को पेपर बड़ा मुश्किल आया, वालदैन कहते हैं आज बच्चों का पेपर बड़ा मुश्किल था, एग्जामिनर कहते हैं निगरान कहते हैं आज तो पेपर बड़ा मुश्किल। यहाँ पर क्या है, जो मुमतहन है इम्तिहान लेने वाला वो अल्लाह वो खालिक वो मालिक वो राजिक वो दाता वो मुश्किल कुशा वो मुमतहन वो खुद कहते हैं ये इम्तिहान बहुत बड़ा था, ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान था, इन्ना हादा लाहवल बदाल मुबीन, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, कोई आसान पेपर नहीं था, अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ पर दोनों जब तैयार होते हैं और तैयारी में अपनी बड़ाई नहीं है, कहा बाबा जान मैं तो साबर बनूंगा अल्लाह की तौफीक के साथ, अपना नहीं कहा मैं साबर हूँ, यही कहा सताजी दूनी मिन साबरी, क्या मुझे साबर ही पाएंगे जो करना कर गुजरिए, नहीं नहीं अल्लाह को साथ लेकर आए कि अल्लाह की मशीयत के साथ, ये काम बड़ा मुश्किल है बाबा जान लेकिन अल्लाह ने तौफीक बख्शी तो आप मुझे
साबर पाएंगे, मैं उफ भी नहीं कहूंगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों और भाइयों, हकीकत है, अभी और बहुत सारे असबाब थे, मैं इंशाल्लाह इसी पर हम फलसफे कुर्बानी के मौजू पर ईद उल अज़हा का खुतबा देंगे। मैं इसी बात पर इक्तफा करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए, अल्लाह हमें ऐसे वालदैन बनाए और ऐसी औलादें अता फरमाए। वाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह।